बीच में आकाश चौधरी जो अभी 68th रैंक से सेलेक्ट हुए हैं इस बार आरजेएस के एग्ज़ाम में, वो आए। सबसे पहले तो आकाश को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आकाश ने लखनऊ एनएलयू से वो 5 ईयर कोर्स कंप्लीट किया 2021 में, और उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट था ये आकाश का और उसमें सेलेक्ट हुए। उससे पहले भी ये जॉब में है आकाश, पावर पावर ग्रिड PHU है, सेंट्रल PHU, उसके अंदर है वो लीगल ऑफिसर या लॉ ऑफिसर के पोस्ट पे है ऑलरेडी। और हरियाणा का इंटरव्यू भी दिया है आकाश ने, दिल्ली का मेंस भी लिख रखा है। वो 1 ईयर मुश्किल से कंप्लीट हुआ था LLB, और उसके बाद जो है वो वेरियस स्टेट्स के अंदर मेंस और दो जगह इंटरव्यू भी दिया। तो ये सब आकाश की मेहनत का परिणाम है। अपने कोचिंग से आकाश जो है वो इंटरव्यू के दौरान संपर्क में आया, और इंटरव्यू की क्लासेस भी ली आकाश ने और मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी फेस किए, और अल्टीमेटली इस भर्ती के अंदर है वो सेलेक्ट हुए। क्योंकि आकाश जॉब में थे तो वहाँ से आना भी है वो पॉसिबल नहीं था, क्लासेस वगैरह में रेगुलर क्लास, तो इन्होंने अपनी तैयारी पहले से जो थी उसके बेसिस पे वो मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिया। इंटरव्यू के दौरान एक्टिव पार्टिसिपेशन भी क्लासेस में भी रहा, और मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह गजराज सर ने भी मॉक लिए थे और अरुण पारिक जी ने, हमने भी लिए थे मॉक, तो अच्छा है वो परफॉर्मेंस था आकाश का। हमें लग गया था कि सिलेक्शन है वो हो जाना चाहिए। तो ज़्यादा आप लोगों का समय लिए बिना मैं आकाश को है वो आमंत्रित करता हूँ कि वो स्टेज पे आए और आप लोगों को सक्सेस स्टोरी और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के जो टिप्स है वो बताएं। यस आकाश आइए। तो सबसे पहले तो मैं आकाश को इस सफलता वो अर्जित करने पर है वो माल्यार्पण करके और स्वागत करता हूँ। माइक लगाया क्या आकाश? थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने बताया, मेरे पिछले साल ही LLB कंप्लीट हुई थी, पर मैं तैयारी अपने फोर्थ ईयर में स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दी थी मैंने। मेरा ये था कि उस टाइम कोरोना भी आ गया था और घर पे था, क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, मुझे सफिशिएंट टाइम मिल गया था। तो मैंने सोचा कि शुरू में दो तीन घंटे करके स्टार्ट किया, और मैं कभी 5 या 6 घंटे से ज़्यादा कभी पढ़ा नहीं, लेकिन ये था कि हाँ कंसिस्टेंट था मैं थ्रू आउट, कि एक दिन भी मुझे अगर ब्रेक लेना रहता था तो मैं घंटे 2 घंटे पढ़ाई कर लेता था, फिर पूरा दिन मैं ब्रेक ले लेता था। तो मैं ऑल आउट कंसिस्टेंट था। और सेकंड चीज़, तैयारी आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के साथ ही करनी है, तीनों की तैयारी साथ ही चलेगी, बस आपको डिफरेंट स्टेजेस की तैयारी तब करनी है जब अगर प्री का नोटिफिकेशन आउट हो गया है तो आपको तैयारी प्री के हिसाब से स्टार्ट करनी है, अगर आपका प्री क्लियर हो गया है तो आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, और इंटरव्यू के टाइम इंटरव्यू की। और बहुत से बच्चे कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तैयारी आप भी वैसे ही कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, बट मेरे कुछ दो तीन मेथड्स कुछ शायद अलग हों जिनकी वजह से इतने मेरे एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं। जैसे प्री के टाइम कुछ बच्चे मैंने देखा है कि प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं निकालते, तैयारी उनकी अच्छी है, कॉन्सेप्ट मेरे से अच्छे होंगे उनके, बट प्रैक्टिस नहीं करते। ये मेरे बहुत से दोस्तों के साथ भी हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए, सिंगल्स की परीक्षा मंथन की हो चाहे कोई भी हो, आपको अनगिनत बुक नहीं उठानी है, आपको एक बुक उठानी है और उस बुक को आपको 3 से 4 बार लगाना है, क्योंकि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि नए कुछ MCQs बन जाएँ। और जैसे मैं मॉक टेस्ट प्री की सीरीज़ दे नहीं पाया था, मॉक टेस्ट सीरीज़, तो मैंने सिंगल्स की एक ऑल स्टेट्स की प्रीवियस क्वेश्चंस की बुक आती है, तो मैं घर पे खुद से ही टाइम करके टाइमली पेपर देता था। मेरा मेन DJS था निकालना, और हरियाणा भी मेरा सेकंड था, तो DJS के लिए जैसे इस बार का पेपर बहुत लेंदी आया था, पर मैं घर पे निकाल रहा था तो मेरा टाइम बन रहा था 1 आवर 47 सेकेंड्स, और मेरा वहाँ पे एग्जैक्ट पूरा कंप्लीट हुआ था, तो इसलिए मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, 150 मार्क्स थे। तो ये था। तो प्री तो आप डायरेक्ट बेस्ड करिए, और लास्ट में आए तो आप एक बुक निकालिए, उसको बार बार निकालिए, रेदर देन आप बहुत सारे सोर्सेस यूज़ कर रहे हैं।
और मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने राजस्थान के लिए इतना नहीं की थी प्रैक्टिस, और राजस्थान की मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ भी नहीं दी थी, क्योंकि राजस्थान 30th और 1st को था पेपर मेंस का, और हरियाणा 4th, 5th, 6th को था, पोस्टपोन हुआ था हालांकि बाद में, लेकिन उस टाइम था तो मेरा राजस्थान पहले छोड़ने का विचार था, लेकिन फिर मुझे लगा प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुई, क्योंकि राजस्थान का मेरा पेपर छूटा था, क्रिमिनल लॉ का मेरा 20 नंबर का छूटा था और सिविल का मेरा 10 नंबर का छूटा था पेपर, लेकिन मेरी हरियाणा में लैंग्वेज की तैयारी इतनी अच्छी थी कि मेरे लैंग्वेज में 28-28 दोनों में मार्क्स आए, और इंटरव्यू मैंने थोड़े पहले भी फेस कर रखे थे, प्लस सर से मैं जब से जुड़ा इंटरव्यू की मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी। इंटरव्यू मैंने पारिक सर और गजराज सर ने जो और बच्चों के लिए उनको भी मैं देखता रहा था, डिनर के टाइम में ऑफिस से आता था, डिनर के टाइम में देखता रहता था, 5 बच्चों के लेते थे शायद सर रोज़, तो उन 5 बच्चों के मैं देखता था, मैं नोट करता था कि किससे क्या डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मेरे लॉ तो सारा वहीं कवर हो गया था कि हाँ इतने, अगर मैं पावर ग्रिड से जॉब कर रहा हूँ तो पावर ग्रिड के इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी जनरल लॉ से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी अगर एक्ट है उसमें से 40% या 50% जो है वो प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, और जब मेंस आपका प्री सेलेक्ट हो जाता है तो मेंस आपका रहता है 15-20% बेयर एक्ट, तो रेदर देन आप इस सोर्स से पढ़ रहे हैं उस सोर्स से पढ़ रहे हैं, एक अपना सोर्स रखिए, भले ही वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बट वही सोर्स आप मेंटेन करके रखिए, एक या दो क्वेश्चन उसमें से नहीं फंसे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 80-90% क्वेश्चन उसमें से फंस रहे हैं तो वो सोर्स बेस्ट है, उसी को रिवाइज़ करिए। और एक लास्ट में मैं चीज़ बोलूँगा कि मेन से पहले कई बच्चों से ये गलती होती है कि अपने वो बड़े वाले नोट्स रखते हैं, लास्ट में सोचते हैं कि हम सारे एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैं दिल्ली का दे रहा हूँ तो दिल्ली में इस बार सब्जेक्ट्स भी बहुत बढ़ा दिए थे, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल एक्ट्स और भी बहुत सारे ऐड कर दिए थे, तो दिल्ली के लिए मैंने जो मेरे मेन नोट्स हैं उससे मैंने एक छोटे नोट्स बना रखे हैं, और एक मैंने उसके बाद भी और छोटे बना रखे हैं, जैसे CRPC 15-17 पन्नों में हो गया तो मेरे को मुश्किल से 3 या 4 घंटे लगते हैं CRPC रिवाइज़ करने में अपना, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी ऐसा है, तो आपको एकदम छोटे रिविजन नोट्स बनाने बहुत नेसेसरी हैं। अब DJS जैसे एग्जाम्स है हरियाणा है वो आपको निकलेंगे, और राजस्थान में भी मुझे लगता है जितने मेरे दोस्तों का हुआ है सब ने शॉर्ट रिवीजन नोट्स बना रखे थे, तो आप उन पे वर्क करिए, एक ही सोर्स से स्टिक करिए, ज़्यादा बार बार चेंज मत करिए। प्री के लिए कोई भी एक बुक ले लीजिए, सर की टेस्ट सीरीज़ है उसमें आप बुक लगाने के बाद टेस्ट सीरीज़ दीजिए, आपका स्कोर देखिए इम्प्रूव ही होगा, और टाइमिंग अपनी इम्प्रूव कर लीजिए, बस ये कुछ स्टेप्स हैं जिनसे आपका निकल जाएगा। और इंटरव्यू में आप जितनी बार इंटरव्यू देंगे सर के गाइडेंस से, तो आपका इंटरव्यू में वहाँ पे वो ये चीज़ चेक करते हैं कि आप नर्वस नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जस्टिसेस को दे रखा है 3 क्लर्कशिप में, मेरी फर्स्ट रैंक थी इंटरव्यू में, हाईएस्ट थे, उस टाइम में बहुत नर्वस था। राजस्थान का मैं इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू उन्होंने लॉ पे पूछे मेरे से, लॉ पे पूछ पूछ के थक गए, तो मेरे से मूवीज़ पे हॉबीज़ थी, तो यूजुअली 10 मिनट तक वो कॉन्वर्जेशन ही कर रहे थे मूवीज़ पे कि बिंज वॉच करते हो, गदर देखिए या नहीं, ये देखिए या नहीं, तो उनको पता लग गया था कि हाँ बिल्कुल नर्वस नहीं हो रहा, तो ये वाली चीज़ है। हरियाणा भी मेरा अच्छा गया, तो इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी, आप प्री और मेंस की एकदम फोकस होके तैयारी करिए। बाकी सर इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, सर आप सर बहुत बेटर वे में गाइड कर पाएंगे मुझे लगता है, तो बस आप सर की बात सुनते रहिए और आपका निकल जाएगा, होपफुली मेरी जगह आप भी खड़े होंगे अगले साल। इंटरव्यू में आकाश को है वो 23 मार्क्स है वो मिले थे आउट ऑफ 35, 23 है वो अंक, काफ़ी अच्छे अंक थे 23, जो टॉप रैंकर्स हैं उनको 26-27 यहाँ तक ही है वो मिले हैं, तो वो 23 और 26 के बीच ज़्यादा अंतर नहीं है, वो बेस्ट इंटरव्यू था इसीलिए है वो आउटस्टैंडिंग मार्क्स है वो 20 से अबो है वो प्राप्त हुए। बस इन सब चीज़ों का सार इतना ही से है कि आपको लगातार और निरंतर है वो मेहनत करनी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, रिवाइज भी करना है, मेमोराइज भी है वो करना है, और उसका बार बार रिवीजन भी है वो करते रहना है जब तक कि आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं। रही बात नोट्स की, शॉर्ट नोट्स की हेल्पफुल होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स अपनी जगह काम आते हैं थ्रू आउट स्टडी के लिए। शॉर्ट नोट्स से आप कीवर्ड्स वगैरह आपने पकड़ रखे हैं उनके, तो उससे आपका वो फास्ट रिवीजन हो जाता है। एक सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में 2 दिन लगते हैं उनको आप 3-4 घंटे में कर लेते हैं। कई लोग जो है वो इस तरीके से कीवर्ड अल्फ़ाबेट वगैरह में भी है वो यूज करते हैं, कुछ ग्राउंड्स वगैरह दे रखे हैं तो उनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको है वो, तो वो भी एक अच्छी ट्रिक्स है, बट वो जिसके है वो बैठ जाए, हर एक के नहीं बैठती है ये, तो जिसके बैठेगी उसको है वो याद हो जाता है।
मेरे तो बैठा नहीं ये ट्रिक्स वाला ज़्यादा, क्योंकि मैंने शुरू से एलएलबी में काफ़ी अच्छा पढ़ लिया था, बैरेक से ही पढ़ता था मैं स्टार्टिंग से ही, तो इसलिए मेरी आदत में था, छोटे छोटे सेक्शंस थे, याद हो गए टाइटल कंटेंट्स वगैरह ठीक से पढ़ लिए, तो ज़्यादा कीवर्ड्स पे वो फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वो जब हम डिस्कस करते थे तो उन वर्ड्स पे एम्फेसिस कर लेते थे, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिन पे वो आपको जोर देना है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो लिखे नहीं तो उनको बोलने में वो इम्प्लीमेशन हुआ बार बार, तो उससे चीज़ें वो और क्लियरिटी के साथ याद होंगी। आकाश को अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनके उज्जवल भविष्य की अब वो कामना करता हूँ। बहुत अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें, बहुत जल्दी जल्दी इनके प्रोमोशंस हो, और ये जो इनका जहाँ तक भी पदोन्नति में हाईएस्ट रैंक पर जहाँ तक जा सकते हैं ईश्वर की कृपा से वहाँ तक है वो जाए।